अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपको अपने चैनल इंफॉर्मेटिव टीवी में खुश आमदीद करता हूँ। अगर आप भी बेरोज़गार हैं और जॉब की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और सही वीडियो आपने ओपन की है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे वीआईपी डिपार्टमेंट में जॉब की डिटेल बताऊँगा। और मज़े की बात है, जिसमें आप डिफरेंट किस्म की फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें डिप्लोमे वाले भी आ जाते हैं, जिसमें अकाउंटिंग वाले भी आ जाते हैं, जिसमें एलएलबी वाले भी आ जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि इसमें लाहौर और कराची दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लाहौर में भी पोस्टिंग है इसकी और कराची में भी पोस्टिंग है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने पहले से नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जॉब का टाइटल है, जिसमें नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी NIP जॉब्स हैं 2020 की, जिसमें कराची और लाहौर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, दोनों में पोस्ट हैं। उसके बाद ज़रा इसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है इस पर नंबर लिखे हैं, उसके बाद पोजीशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, नंबर ऑफ पोस्ट हैं, स्किल्स, एज लिमिट और लोकेशन। पोजीशन में है सबसे पहले मैनेजर फिनांस, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन CIMA, ICMA, ACCA या CA, ये जो अकाउंटिंग वाले हैं उनको बेहतर तरीके से पता है। और ये नंबर एक ही इसकी जॉब है, एक ही वैकेंसी है इसकी। उसके बाद जो इसकी स्किल्स है, स्किल में उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग फिनांस एंड AC, उसके बाद इंक्लूडिंग फिनंशियल रिपोर्टिंग जो भी मैनेजमेंट की होती है, उसके बाद नॉलेज ऑफ PPRA रूल्स एंड टेंडरिंग प्रोसेस, और उसके बाद जो एज लिमिट है उसकी मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर है, और 5 से 12 साल का एक्सपीरियंस भी इसके लिए रिक्वायर्ड है। लोकेशन इसकी कराची में है, यानी कि इसकी जो पोस्ट है वो कराची में होगी। उसके बाद नंबर दो पे असिस्टेंट मैनेजर लीगल, जिसमें LLB वाले क्वालिफिकेशन है इसकी। स्किल्स में इन्होंने प्रोवाइडिंग जनरल इन हाउस लीगल एडवाइस, प्रेपरेशन ऑफ कंट्रैक्ट्स, उसके बाद लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसकी भी एज जो लिमिट है मैक्सिमम 50 ईयर है, और इसकी पोस्टिंग भी कराची में है। नंबर थ्री पे जो पोस्ट आती है उसमें AM सेल्स एंड कस्टमर सर्विस, जिसमें BBA या MBA होना चाहिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन में। उसके बाद जो स्किल है वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, निगोशिएशन, प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए। उसके बाद और भी स्किल लिखी हैं, इसे आप देख लीजिएगा। एज लिमिट में इसमें 40 ईयर है, और एक्सपीरियंस में 5 साल का, और इसकी लोकेशन जो है वो लाहौर में है। बाकी ऊपर वाली दोनों की कराची में थी, इसकी लाहौर की है। उसके बाद नंबर फोर पे जो आ जाती है वो है अकाउंट्स ऑफिसर, जिसमें तकरीबन जो क्वालिफिकेशन है वो ऊपर वाली ही है, और जो स्किल है उसमें हैंडलिंग डे टू डे अफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ FIN एंड AC, उसके बाद और भी हैं। तो एज लिमिट इसकी 35 ईयर है, और इसमें एक्सपीरियंस 1 से लेकर 5 साल का होना चाहिए, और इसकी जो पोस्टिंग है वो कराची में होगी। उसके बाद आ जाते हैं डिप्लोमे वालों की बारी, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और टेक्निकल सपोर्ट ऑफिसर हैं, जिसमें पहला इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा और दूसरा सिविल का क्वालिफिकेशन में। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिकल के रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, और इसमें थोड़ा सा दूसरा कंप्यूटर के रिलेटेड थोड़ा सा आ जाता है, जिसमें MS ऑफिस, वर्ड, ये सारी चीज़ें। एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर दोनों में, नीचे वाले में 10 साल का तजर्बा हो, ऊपर वाले में 5 का, और दोनों की पोस्टिंग जो है वो लाहौर की है। तो ये सारी जॉब की डिटेल थी, जिसमें लाहौर वाले और कराची वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए इन्होंने लिखा है कि कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं अप्लाई करने का। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है और जो भी जिनकी भी क्वालिफिकेशन इनके रेलिवेंट है, वो एक एनवेलप में सारे डॉक्यूमेंट डालें अपने जो भी अटेस्टेड हैं, साथ ही रिसेंट फोटोग्राफ, और एनवेलप के टाइटल में अपनी पोस्ट का टाइटल लिखें, जो भी पोस्ट का नाम होगा। इधर पोजीशन के नाम डिफरेंट किस्म के लिखे हैं, 6 किस्म के, इनमें से जिसमें भी आपने अप्लाई करना है वो आप उधर लिखेंगे, और ये एड्रेस लिखा है जहाँ आपने भेजना है अपना स्टाफ, ठीक है। ये उनकी ईमेल एड्रेस है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप डायरेक्टली इधर क्लिक करेंगे तो आप ये मेल ओपन हो जाएगी, उधर आपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो भेजने हैं। और ये उनका एड्रेस लिखा है इनके हेड डिपार्टमेंट का, जहां आपने ये सारे डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म में भेजने हैं, और ये उनकी ईमेल है जहाँ पर आपने सारे डॉक्यूमेंट उनको ईमेल करने हैं।
तो ये सारी वीडियो थी नेशनल पार्क में अप्लाई करने का प्रोसेस था, जिसमें सारी डिटेल बताई मैंने आपको कि कैसे डिप्लोमे वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहले से नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले।